Assalamualaikum everyone, welcome to our new vlog, Life with Aryan Hashim. So guys, आपको बताने की जरूरत है नहीं कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, दिखा देता हूँ, बताना जरूर आप लोगों को, दिखा देते हैं अभी हम लोग कहाँ पे हैं। ओए होए होए, ये भाई निकल आया ना दो के मारे बशिंदे। किधर भाई हैदर, किधर आप जा रहे हैं? हम लोग नहाने भाई, तुम ला नहा के तुम थके नहीं तक ठंडे पानी डुबे लाने पैने ले हैदर, क्या प्लान है यार हमारा? भाई तो मुझे बताया नहीं है कुछ, बारबेक्यू करना है। भाई पहले खाना खाएं फिर बाद में बारबेक्यू का सोचेंगे, अभी बहुत भूख लगी है, अभी इतना टाइम नहीं है कि बारबेक्यू करें। चलो मैं भाई खाना कुछ, अभी मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तो गाइस अभी हम लोग जहाँ पे, मैंने आपको रिसेंट ब्लॉग बताया कि जहाँ पे हम होटल में स्टे किया, अभी हम लोग वहाँ से उठे हैं, नहाए धोए हैं, सारे खाने वगैरह खाते हैं कहीं पे, फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। हमें एक मसला हो गया शेर साहब, कौन सी वाइट केबल मिल गई है? हैदर रूम ध्यान से लॉक करना यार। हाँ यार, ये हमारे फैसल मैनेजर साहब, इन्होंने बोला मैं भी हूँ। कैसे हैं? मज़ा आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक हो गया, मौसम कैसा है? बेहतरीन मौसम, अच्छा मौसम। हाँ भाई मौसम दिखा भी देते हैं ना, ये देखे ना, एवं नहीं बोल रहे बेहतरीन, बहुत कितना है टेम्परेचर, कितना है? जबरदस्त टेम्परेचर यार। फिर अभी हम लोग निकलते हैं, अभी खाना वगैरह खाते हैं कहीं पे हम लोगों ने, फिर शेर साहब को लेना है। उसके बाद यार मसला हमारा ये हुआ है, हमारे जो शेर साहब है ना, ये बैग में नहीं आएगा, ये नीचे गाड़ी में जाएगा यार, वो फिर बैग वजनी हो जाता है, फिर मेरा शोल्डर तक देने लग जाता है। तो अभी हम लोग शेर साहब को ढूंढते हैं, जो हमारे बाइकर्स थे आपस में लड़ पड़े हैं, एक ने दूसरे को उतार दिया है और वो दो घंटे से पैदल ही घूम रहे हैं, उन्हें लेते हैं जाके। और हैदर यार तुम बिल्कुल नहीं आ रहे मेरे व्लॉग में, तुम्हें क्या मसला है? तुम व्लॉग में आ ही नहीं रहे ना, तुम कुछ बोल रहे हो ना, कुछ सुना रहे हो ना कुछ सुन रहे हो। यार एक दफा मुझे तो दिखा दो, मेरा दिखा दो प्लीज, रुको लग गए, कुछ इंपॉर्टेंट है रूम में कपड़ों के अलावा? ये भी है, ये बात सही है आपने यार, मेरी फुल लुक मैं कैसे दिखाऊं आपको? हैदर या एक दफा, हैदर या एक दफा मेरी फुल लुक को दिखा दो बस प्लीज, ऐसे रखिए इसी एंगल में, अभी कहीं करनी है यार। आप भाई काश की फुल लुक दिखाते हैं, शूज वूज उन्होंने पहन लिए इसलिए वो नीचे भाग गया कि पहले हम लोग शूज पहन ले। ये भाई के दोस्त और ये भाई ऐसे भाई जाए अपने साथ, मेरा यार कैसे तुम शूज पाए रे है तुम भी साथ यार, सबको मैं दिखा दूँ ना, सबको फुल लुक दिखा दूंगा। रेडी रेडी अरे यार फिर आप पहुंच के मिलते हैं आप लोगों को। तो भाई ये हमारे होटल के पास ही, ये हमारा होटल है, इसके पास ही ना हमें एक स्टोर मिला है, वहाँ से हमें चाहिए लोशन, लोशन रखना किसी को भी याद नहीं रहा। तो भाई कितनी भाई, एक लोशन और एक टूथपेस्ट दे दें, लोशन से बढ़ानी है ये, फिर एक ये दे दो, एक टूथपेस्ट दे दो, टूथपेस्ट और कुछ है और मैंने बेल्ट लेने अभी हमें एक पॉइंट मिला है जहाँ पे हमें शेर साहब मिले हैं, शेर साहब अभी अपना मुंह शूज हो रहे हैं, जरा खा पी रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जगह यार, अगर वो वाला होटल मिल जाए ना, वो कितनी अच्छी जगह लोकेशन पे है। लेकिन हमारा आज का रात का भी स्टे उसी होटल पे है जहाँ पे हम लोग रहे हैं, यहाँ पे घूमना फिरना बारबेक्यू करते हैं, यहाँ पे कहीं पे कोई अच्छा सा स्पॉट देख के, और बाकी आपको जगह का नाम लगाते हुए स्टाला भी लगा हुआ है यार, किसी को चाहिए तो आके ले सकता है यहाँ से भैया ना, नहीं ओ शिट मटर है, मटर मटर लगे हुए हैं, मटर लगे हुए यार, चले आगे चेक करे यार, सो अनरियल किधर आ गया मैं, गया हूँ कश्मीर भी गया हूँ लेकिन ऐसे प्लेसेस पे ना फुल आ गया, आगे होके नहीं मैं जागते भाई, आ गया यहाँ पे शहद की मक्खियाँ हैं, आगे मैं बाल बाल बच्चों मुझे लड़ने लगी शहद की मक्खी, फिर से
ये यार पूरा सफर ये हमारे साथ साथ ही रही है, या हम इसके साथ साथ रहे हैं, जहाँ से भी हम गुजरते रहे हैं ये साथ साथ ही रही है, हमारे साथ साथ ही बहती रही है ये। अब चलते हैं जरा भाई लोग के पास वापस, मटरों के बीच में से होते हुए। अब सारे जा रहे हैं वापस यार, शेर साहब का कुछ हाल बाकी ज्यादा ही खराब है, तो अब लिविन को लेकर चलते हैं रूम में, रूम में उनको करवाते हैं रेस्ट, और फिर उसके बाद हम लोग करते हैं अपना बारबेक्यू लाइव, हाशिम की तरह बारबेक्यू टुनाइट वो करते हैं आज हम अपना। चले चेक करें जहाँ से मैं चल रहा हूँ, बस मेरा पाँव थोड़ा सा स्लिप हुआ ना तो मैं नीचे खाई में, मक्खी बहुत है, मैं वापस आ रहा हूँ, इधर से नहीं जाया जा रहा भाई, मक्खी बहुत है उधर, बस देखते जाए मेरी शक्ल क्या देखनी है पहाड़ देख के, है तो उधर से ना उधर बहुत मक्खियाँ, उधर से आओ, चलो जी हैदर भी आने लगा, ये जो व्यू है वहां हो गया, पैसे पूरे हो गए भाई, हैदर यहाँ पे जो खड़े होके व्यू है ना यहाँ से ऐसे, ये कमाल का व्यू है, बस आके चेक तो करो बैठ लेते हैं यहाँ पे जाके ना, जहाँ पे बाजार वाली साइड से जाके बैठ लेते हैं, क्या कह रहे हैं मास्क क्या कह रहे हैं, व्यू चेक करो यहाँ से। तो भाई अभी हम लोग अपने लिए खाना वगैरह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से खाया जाए, हैदर ये दुम्बा तो नहीं है, ये दुम्बा है ना, ये जो जैसे वो ना यो ही है ना, इधर से मैंने देखे पे जा लेके ये दुम्बे की डब्बी पड़ी थी, कह रहा हूँ पता नहीं कहाँ कहाँ देखते हो लोगों को, मैं लोगों में दुम्बे की बात की, मैं लोगों तक नहीं गया, मैंने सिर्फ दुम्बे की बात की, मैं तुम्हारा भी गौर कर रहा हूँ कहीं पर, ये बाल हैदर ये क्या है, आदिल क्या हुआ है, खाना क्या है अभी हम लोगों ने, पहले ये कुछ डिसाइड हुआ है, रोटी साथ चने दाल के मटन चिकन क्या भाई, क्या ढूंढ रहे हैं, कहते जा रहे हैं तो पीछे इतनी गुजरी तो है दुकान ने, ढूंढने में तो हमें शेख साहब भी मिल गए हैं, इधर तो कुछ भी मिल जाएगा, ओह यार बड़ी, मेरा जिम जो है ना 2 दिन का मिस नहीं हुआ, मेरा जिम हो गया है, सुबह होटल ढूंढने में और अभी नीचे जाने में, ये वो बड़ी का माल लोड वाली फीलिंग आ रही है ना इधर, लेना तो कुछ है नहीं लेकिन फिर भी आपको दिखा दें यहाँ पे, यार ये वाली कमीजें बहुत ज्यादा मरी में लगी हुई हैं, मेरी आंटी मुमताज़ लोगों ने बोला है फातिमा ने कि मेरे लिए भाई कुछ लेके तो आना, अब मैं क्या लूँ यहाँ से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या लूँ इन लोगों के लिए, फिर फातिमा के लिए मैं कोई बैग ना ले लूं यहाँ से, मुझे लग रहा है कोई बैग ले लेना चाहिए फातिमा के लिए ना, हाँ खान साहब ये तो भाई ये तो कोई बात ना हुई, खान साहब ये भी 1300 की रेट ठीक है ना, टेबल निकली है,
भाई भाई ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया पठान में समझ गए अब आपकी शादी पुरानी हो गई है कि नहीं है नहीं अभी ये क्या है यार ऐसे कहता हूँ लोग मिला किसी को ऐसा सीन नहीं चाहिए कि हम लोग ऐसे भी डालने क्या क्या हुआ है तो ये पहना तेरा लड़की मरी अब ऐसा करो सुलेमान ही लगाओ डेढ़ किलो सुलेमान ही होना चाहिए वो नमकीन का नहीं मुझे पता मुझे सुलेमान ही चाहिए सियालकोट में सुप्रीम कोर्ट हमारी तरफ मिलता है कौन सा भाई तो भाई फाइनली हमारा खाना हो चुका है डन मैं बस इसलिए नहीं बोला मैं बोला ये डन कर ले मैं फिर अपना मुंह खोलूंगा भाई गए हैं भाई पुट्ठो वाली साइड उतरवाने गोश्त की मैं क्या भाई पुट्ठो वाली साइड उतरवाने आया मैं भी भाई के साथ चलता हूँ भैया तो वैसे होती कौन सी है पुट्ठो होती है ये अच्छा ये होती है ये नहीं जो जहाँ से बकरे को चेक करते जब बकरा लेते हैं ठीक हो गया पुट्ठो वाली साइड मेन्यू को छोड़ो आप ये हमारा रेडी हो रहा है भाई सिटिंग दिखाऊंगा जहाँ पर बैठना तो भाई अब आपको दिखाते हैं सिटिंग फैसल भाई भाई कह रहे हैं यहाँ पे नहीं बैठना इधर नहीं बैठना वो उधर खुली जगह पे नीचे हाँ उठ के भी उधर हो जाए ना कोई बैठना जाए वहाँ पे कोई और कस्टमर ना आ जाए वो वहाँ पे बैठे आ जाओ इधर उठो तो भाई हमारी सिटिंग भी चेंज हो गई हमारा मेन्यू चेंज हो गया टोटली सारा कुछ चेंज हो चुका है ओह नो तो भाई फाइनली आ चुका है भाई की लगवाई हुई सुलेमानी ऐसे कैसी लग रही है खुशबू तो अच्छी आ रही है अब आगे देखते हैं ऐसे ही पानी निकलता क्या नहीं मुंह से है फैसल भाई ऐसे ही खाने वाला कि वापस आ रहे हैं बिल्कुल तो यार हम पहले खाना खाना खा ले स्पून से भी मिलते हैं आपको उसके बाद खाना शाना खा चुके हैं सबसे पहले तो मैं लेता हूँ जिन्होंने लगवाई थी सुलेमान जी उनसे रिव्यू लेते हैं भाई कैसा था खाना रिव्यू देने की हिम्मत नहीं है इतना खा रही है फुल, 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 नहीं लेकिन फिर भी अच्छा था खाना मजा आया तो मैं तो भाई बोलूंगा फ्री का था तो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया नहीं यार सभी ना भूख भी अच्छी लगी हुई थी तो अब चलते हैं अपने कमरे में चले के बैठना थोड़ी देर यहाँ पे चाय पीते हैं वहाँ पे जाके पीते हैं अपने कमरे कमरे में लेट के चाय पीते हैं हाँ ये सही है तसल्ली से कैसा भाई आपने बताया खाना कैसा था खाना बहुत मजा बस सही अच्छा बने गोश्त ये सही गला हुआ था ये बोले ना मैंने कम करना
हैदर होश करो चलो उठे चलो शूज पहनने खाना शाना खा के आ चुके थे वापस। अब आपने मंगवाई अपनी चाय कॉफी जो एक अदद भाई वकास ने अपनी रोड लिया नीचे भाई ने तारीफ की भाई ने एक टिप लगाया भाई ने किया कि ओए हो यार कॉफी के पैसे पूरे हो गए भाई उठ के उधर गए हैं वापस आए हैं चादर के साथ ही भाई की अपनी कॉफी दोबारा नीचे। तो अब हम लोग पीते हैं अपनी कॉफी शॉफी हैदर मुँह देख रहे हमारा और साथ ही कदम लॉक यार तुम पी लो मुँह क्यों देख रहे तरसे लोग इधर आ। तो यार बस आज का दिन यही था आगे पीछे ऐसे हर ब्रांड में दिन गुजर गया शेर साहब को ढूंढने में ही हाँ कल इंशाल्लाह असल एंजॉयमेंट जो ना असल जगह जुगाए आपको कल दिखाएंगे क्या जो थे ना सफर की थकावट थी फिर उठे जो टाइम था उसमें शेर साहब को ढूंढने में टाइम गुजर गया और कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें आपको सैफल लोग और लोग जो भी है सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।